देश में कोरोना के 1,34,154 नए केस, फिर मामूली बढ़त दर्ज। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 25,000 से ज्यादा केस, केरल, कर्नाटक और आंध्र में भी हजारों केस। एक दिन में 2,887 मौत, मौत की तादाद में लगातार कमी। 66% से ज्यादा कोरोना के नए केस सिर्फ 5 राज्यों से, सिर्फ तमिलनाडु में देश के करीब 19% केस। रिकवरी रेट में सुधार, अब तक 92% लोग ठीक हुए। एमपी के राजगढ़ में बिना मास्क जुटे हजारों लोग, टूटी नियमों की धज्जियां। अंधविश्वास की वजह से उमड़ी भीड़, दो महिलाओं के शरीर में देव परी आने की अफवाह। पानी छिड़ककर कोरोना से बचने के अंधविश्वास में उमड़ी भीड़। भीलवाड़ा में जुटी कोरोना नियमों की धज्जियां, पूर्व सांसद हिमेंद्र सिंह के अंतिम संस्कार में जुटे सैकड़ों लोग। जम्मू में एक महीने बाद खुली शराब की दुकानें, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर जमा हुए लोग। हरिद्वार में कारोबारियों का विरोध प्रदर्शन, अनलॉक प्रक्रिया शुरू करने को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। कानपुर में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की अजीब हरकत, पुलिस को घेरकर हिस्ट्री शीटर को छुड़वाया। आज तक की खबर का असर, आरोपी बीजेपी नेता सस्पेंड। बीजेपी नेता के कार्यक्रम में आया था हिस्ट्री शीटर, पुलिस ने किया था गिरफ्तार। पुलिस जीप का बीजेपी वालों ने कर लिया था घेराव, पुलिस के साथ की गई धक्का मुक्की। किरकिरी के बाद पुलिस एक्शन में, बीजेपी नेता समेत 11 आरोपियों के जारी किए पोस्टर, 30 पर FIR दर्ज। हिस्ट्री शीटर को भगाने के वीडियो से ही निकाले गए पोस्टर, एक महिला भी है आरोपी। ग्रेटर नोएडा में पुलिस अफसर को बंधक बनाकर पीटा, गांजा तस्कर को पकड़ने गई थी पुलिस, भीड़ ने कर दिया हमला, सब इंस्पेक्टर की वर्दी पकड़कर बुरी तरह से पीटा, 3 आरोपी गिरफ्तार। राम रहीम को फिर भेजा गया जेल, तबीयत खराब होने पर लाया गया था PGI रोहतक। सुनारिया जेल में बंद है राम रहीम, 3 हफ्ते में दूसरी बार लाया गया अस्पताल। अलीगढ़ में जहरीली शराब कांड में 3 और मौत, कुल तादाद हुई 38। कश्मीर में कुछ घंटे के भीतर ही 2 आतंकी घटनाएं, त्राल में बीजेपी के काउंसलर राकेश पंडिता की हत्या। दोस्त से मिलने गए पंडिता पर बरसाई गोलियां, हमलावरों की तादाद 3, पंडिता को थी सुरक्षा हासिल लेकिन नहीं बच पाई जान। हमले के बाद इलाके की घेराबंदी, आतंकवादियों की तलाश जारी। त्राल में ही दूसरा आतंकी हमला, SOG कैंप में पुलिस से हथियार छीने, फायरिंग करने वाले आतंकी को पुलिस ने मार गिराया। पंडिता के कत्ल पर बीजेपी के सरपंच बोले, आतंकी कश्मीरी पंडित जनप्रतिनिधियों में फैलाना चाहते हैं दहशत।